हेलो एवरीबॉडी, तो कैसा आप सभी लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बार फिर से प्ले करने जा रहे हैं GTA 5, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यार आपने लास्ट वाले वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा लास्ट वाले वीडियो में क्या हुआ था। हम लोग अपनी फैमिली को डगन बॉस से बचाने के लिए उसको टैंक दे देते हैं, लेकिन यार वो सिर्फ ट्रेसी को ही छोड़ता है, अपने जिमी को नहीं छोड़ता। वो हमसे एक डिमांड और करता है, वो एक गैंग का गैंग के बारे में हम लोग को बताता है। हम लोग फटाफट से वहाँ पर जाते हैं, उस गैंग के सारे बंदों को एक एक करके फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद में फ्रैंकलिन के साथ हम लोग यहाँ पे फिलहाल घर पे आ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। आज हमें डगन बॉस के घर पे सबसे पहले मिलने के लिए जाना है, उसको फटाफट से जाना है उसके पास में, क्योंकि यार जिमी वहाँ पे परेशान हो रहा होगा। हम लोग फटाफट से डगन बॉस के पास में चलते हैं, क्योंकि हमें डगन बॉस के पास में जाके वहाँ से जिमी को छुड़ा करके लाना है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी घर के अंदर कोई भी नहीं है, ट्रेसी अमेंडा दोनों को मैंने सिटी से बाहर भिजवा दिया है। हम लोग ट्रेसी को छुड़ा करके लाए थे, तो मैंने उसके बावजूद भी फ्रैंकलिन के साथ ट्रेसी को भी यहाँ से बाहर छोड़ दिया है। अब फिलहाल हमें यहाँ पे, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो फ्रैंकलिन के आने का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मैंने फ्रैंकलिन को जल्दी ही कॉल करके बोल दिया था मॉर्निंग के अंदर, तू जल्दी से आ जाना। फ्रैंकलिन फिलहाल अपने गैरेज पर गया हुआ है कोई अच्छी सी लैम्बोर्गिनी या फिर कोई दूसरी रोल्स रॉयस जैसी अच्छी खासी गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि यार आज मेरा बहुत अच्छा खासा मन हो रहा था। इतनी अच्छी गाड़ी चलाए हुए यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और फालतू की पंगों से टंटों की वजह से यार हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे थे। और यार अपना जो डीलरशिप का बिजनेस था वो भी यार बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, एक भी बंदा गाड़ी परचेज करने के लिए नहीं आ रहा। देखा जाए तो यार हमारे पास में बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं बची, तो बंदे कैसे आएंगे और यार क्या ही गाड़ियाँ परचेज करके जाएंगे। लेकिन कोई ना, जैसे हम लोग इससे टंटे से फ्री होंगे, हम लोग फटाफट से जाएंगे और नई नई गाड़ियाँ यहाँ से बाहर से यहाँ पे इम्पोर्ट करवाएंगे। मैं फिलहाल फ्रैंकलिन का वेट करता हूँ। ओके गाइज, यार ये फ्रैंकलिन पता नहीं कब आएगा, मेरे को यहाँ पे वेट करते करते बहुत लंबा टाइम हो गया भाई। सूरज देख रहे हो आप, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। ओके मेरे को वेट, एक गाड़ी की तो आवाज़ आ रही है, लगता है फ्रैंकलिन यहाँ पे आने वाला है, लेकिन मेरे को अभी तक तो लग नहीं रहा फ्रैंकलिन के आने का यहाँ पे कुछ साथ। एक मिनट, गाड़ी का गेट तो ओपन होया। ओके भाई साहब, मैं सोच रहा था मेरी जो गाड़ी थी लैम्बोर्गिनी सेंटोरियो चलाई हुई हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और फ्रैंकलिन गाइस वही हमारे लिए लेकर के आ गया। फ्रैंकलिन भाई तेरा बिल्कुल थैंक यू। एक मिनट, ये हमको क्या बोल रहा है पता है आपको, ये गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, ये मैं अपने लिए चलाने के लिए लेकर के आया हूँ, तुम मेरे को कभी गाड़ी चलाने नहीं देते। तो भाई कोई ना, सबसे पहले तो बड़ा हकवक कर रहा है ये फ्रैंकलिन, आज इसको क्या हो गया। ओके गाइस, तो फिलहाल हम लोग फटाफट, मैंने फ्रैंकलिन से जो भी करना था कर लिया है, अब हम लोग फटाफट यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं जल्दी से डगन बॉस के पास में। जिमी भी भाई वहाँ पर कर्रा रहा होगा, वैसे तो वो नाक के अंदर चने चबाने वाला बंदा है अपना जो डगन बॉस है ना, वो जिमी से परेशान हो गया होगा, वो खुद ही उन्हें उसको छोड़ने का चाह रहा होगा, लेकिन यार फिर भी क्या कर सकते हैं, माइकल का सन है तो उसको हमें बचा करके लाना पड़ेगा। फिलहाल गाइज मेरा यहाँ पे मूड हुआ, मैंने फ्रैंकलिन को बोला और ये कन्वेंस भी हो गया और ये मान गया, यार पता नहीं मानता नहीं है और आज मान गया गाड़ी, मतलब कि इसलिए मान गया, मैंने इसको बोला भाई गाड़ी मेरे को चलान दे, तो ये मान गया, बिल्कुल उतर गया और गाड़ी फिलहाल मेरे हाथ में है। अब इसको फुल ट्राई करके देखते हैं, इसकी स्पीड अभी तक वैसी ही है या फिर इसके अंदर कुछ इफेक्ट पड़ा पता चल जाएगा। ओके गाइस, जैसे इसका पिकअप देख रहे हो यार, कितना ज़्यादा तगड़ा, वैसा ही है यार। मैंने सोचा था इसको मैंने फ्रैंकलिन को चलाने के लिए दिया ना, इसने इस गाड़ी की ना वाट लगा दी होगी, लेकिन कोई ना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। ओके, तो यार अपनी लैम्बो के साथ ना इस एरिया के अंदर आने का ही क्या मज़ा आया, हम इस रेंच में पहुंच चुके हैं। वैसे यार मिनी मद्रासो ने ये रेंच जो है ना अपना डगन बॉस को पता नहीं किस कारण से सेल कर दिया। फिलहाल हम लोग फटाफट यहाँ से आ चुके हैं और आज जो है ना मैं फ्रैंकलिन को भी अपने साथ लेकर के जाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट बार हम लोग आए थे ना तब मैं फ्रैंकलिन को अंदर की साइड में लेकर के नहीं गया था, जिसकी वजह से भाई साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन कोई नहीं भाई, आजा तू चल ले चल भाई, इसको जैसे ही मैंने बोला ना चलने का सबसे पहले निकल गया, मेरे पीछे पीछे आना चाहिए था, लेकिन भाई साहब देखो कैसे चौड़ के अंदर जा रहे हैं। चलो ठीक है, फिर भी यार इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी हो नहीं सकती ना माइकल जितनी माइकल की पॉपुलरिटी डगन बॉस के साथ पास में ना, उतनी अपने फ्रैंकलिन की नहीं हो सकती। फिलहाल हम लोग फटाफट चलते हैं, और ये शायद से वही गार्ड है ना जो हम लोग को है ना बार बार है ना अंदर जाने से रोक देता है। आज देखे जो हो भाई साहब, यहाँ पे तो अंडर वाटर माफिया भी आया हुआ है, और यहाँ पे ये पुशअप लगा रहा है अपना जो डगन है, आज तो भाई साहब एकदम फुल फॉर्म के अंदर लग रहा है। और घर के बाहर क्या कर रहा है, इससे मैं सारी की सारी बातचीत कर लेता हूँ। ओके गाइस, मेरी ना फिलहाल डगन बॉस के साथ बात हो चुकी है, और ये सुनकर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। अब ये क्या बोल रहा है डगन बॉस, डगन बॉस बोल रहा है तुम्हें
अभी एक काम और करना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें जिम ही दे दूंगा। मैंने बोला यार तू जिम ही को तो छोड़ दे, मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बोल रहा है जैसे ही तुम्हारे हाथ में जिम ही लग जाएगा ना तो तुम वो काम करने से मना कर दोगे। तो बात तो बिल्कुल सही है भाई, हम लोग क्यों इसके लिए काम करें, फिलहाल हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ से अपनी गाड़ी के अंदर फटाफट से बैठ के निकलना पड़ेगा। लेकिन इस बार ना मैं डगन बॉस के लिए काम करना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या होगा इसके लिए। हम लोग क्या करते हैं फिलहाल, अपने लेस्टर, इस काम के लिए हमको ना लेस्टर ही याद आता है, वो प्लानिंग करने के अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट है, पता नहीं यार कैसा दिमाग भाया है, कहीं से भी आइडिया लेकर के आ जाता है और हम लोग को वो आइडिया एक्सप्लेन कर देता है। तो फिलहाल लेस्टर कहाँ पर है देखते हैं। ओके गाइस, फिलहाल लेस्टर के साथ मेरी बात हुई थी, तो लेस्टर अपने घर पे आया हुआ था, वो अपने कोई सीक्रेट बेस पे नहीं था, तो मैंने सोचा यार ठीक है यार लेस्टर को क्यों परेशान किया जाए, क्योंकि रेस्ट करने के लिए आया हुआ है। तो हम लोग फटाफट से लेस्टर के घर पे पहुंच गए। ओके अब अंदर की साइड में चलते हैं, अपना फ्रैंकलिन को थोड़ा नाटक आ रहे थे, गाड़ी को स्टार्ट करके देख रहा था सही से हुई या फिर नहीं, इसको बहुत अंदर से लग रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना इसकी वजह से। तो फिलहाल अबे भाई एकदम से गुस्सा चला रहा है आज इस फ्रैंकलिन को, पता नहीं यार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जोश आ रहा है, सभी जगह पे आगे जा रहा है, सबसे पहले चल रहा है अंदर की साइड में, पहले तो पीछे पीछे चला करता था लेकिन अब सबसे पहले जा रहा है। और भाई लेस्ट लगता है आप भी है ना, लेस्टर की तबीयत ठीक नहीं है यार, इसको पूछते हैं। ओके गाइस, फिलहाल मेरी ना लेस्टर के साथ बातचीत हो चुकी है, अभी यार लेस्टर की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसका थोड़ा हेडेक हो रहा है जिसकी वजह से ये अपने घर पे रेस्ट करने के लिए आया, लेकिन फिर भी यार इसने हमको प्लान एक्सप्लेन कर दिया। इसने बोला है अपने जो 4 से 5 जो इन्फॉर्मर है उनको डगन बॉस के घर के आसपास लगा दो, कोई ना कोई बंदा ज़रूर निकलेगा और वो उस लोकेशन पे ज़रूर जाएगा जहाँ पे उन्होंने जिमी को बैठा करके रखा हुआ है। तो फिलहाल हम लोग फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं और हम जो डगन बॉस ने हमको जो काम बताया उसके लिए जा रहे हैं, जैसे हम लोग उस काम को पूरा कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग फटाफट से उन इन्फॉर्मर के पास में चले जाएंगे, तब तक यार वो इन्फॉर्मर भी उसके बारे में पता लगा ही लेंगे मेरे हिसाब से। ओके तो गाइज यार हमारे पास में कोई भी किसी तरह की प्लानिंग नहीं है, हम लोग सीधा डगन बॉस ने जो हमको लोकेशन बताई थी हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे डायमंड कैसीनो के 2 बंदे दिखाई दे रहे हैं, आपने सही सुना, ये जो एरिया है ना यहाँ पे डायमंड कैसीनो है और डायमंड कैसीनो का बॉस यहाँ पे गोल्ड और बहुत सारा पैसा कहीं और स्मगल कर रहा है। तो बस हमें वही काम करना है, डगन बॉस के लिए ये काम कर करके आना है जिससे कि उसका पैसा हमारे हाथ में आ जाए। अबे ये फ्रैंकलिन ने क्या किया भाई, गाड़ी की बाट लगी, पीछे से उड़ता उड़ता कैसे बाहर आ गया। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, अब अंदर की साइड में कितने बंदे हैं हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, बाहर तो यार हम लोग ने देखा था 2 ही बंदे हैं, 2 ही बंदे। यार मेरे को एक डाउट हो रहा है, डगन बॉस ने जो हमको कहा कि अंदर बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, यार उसके हिसाब से तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे होने चाहिए थे, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या ऐसा क्यों लग रहा है अंदर मुझे बंदे ज़रूर मिलने वाले हैं, बाहर भी बंदे होने चाहिए थे। ये किसकी गाड़ी है, गाड़ी देख के तो ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओके अबे यार उन बंदों को पता चल गया, मैंने उन पे गन पॉइंट किया ना, शायद से हम लोग जैसे यहाँ पे आके रुके थे ना उनका ध्यान हमारी तरफ चला गया था, मैंने सोचा ही था वही हुआ, अंदर की साइड से और सारे बंदे निकल कर यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे बंदे, मैं सोच रहा हूँ जितने भी अंदर के बंदे थे ना सारे के सारे हम पे फीट कर रहे हैं, लेकिन इनकी अभी वाट लगा थे तुम्हारी तो ऐसी की वैसी, आज हमारे हाथ से ना एक भी बंदा नहीं बचने वाला, यहाँ पे मैंने लगता है सारे बंदों को फिनिश कर दिया, नहीं 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 अभी भी बंदे बचे हुए हैं, वो ना तुम्हारी तो निकलो, चल बेटा आ जा तू भी आ जा, तेरी अभी वाट लगाते, इसको बड़ी चुन मची हुई भाई, कवर में जा जा के हम लोग को लेटा रहा है, ये बंदा भी गया और आगे चलते हैं। अबे कौन है यहाँ पे, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है भाई, फ्रैंकलिन कवर फायर देना चाहिए बस पीछे से जाके एकदम 2-3 बंदों को मारने का ट्राई कर रहा है, देखते हैं अब बाकी के जो बाहर बंदे खड़े हुए हैं ना उनको फ्रैंकलिन देख लेगा, आप देख रहे हो फ्रैंकलिन वहाँ पे छुप छुप के फायरिंग करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन सबसे पहले इस बंदे को सुलटा दूँ भाई, बहुत गोलियाँ मार ली जाने, चल अंदर चलते हैं, मेरे को है ना सूट पहन के आना चाहिए था, हमारा जो बुलेट प्रूफ सूट है ना उसको, अभी फ़िलहाल हमारे पास में वो नहीं है, अंदर पहुँच चुके हैं, लगता है सारे बंदे हो चुके हैं फिनिश, और यहाँ पे मुझे सिर्फ ये एक ट्रक ही दिखाई दे रहा है। ओके ये पड़ा गोल्ड, भाई साहब कितना सारा है यार एक ट्रक के, अभी ये ट्रक मैं सोच रहा था बंदे सारे फिनिश हो गए, लेकिन यहाँ पे ट्रक के पीछे बंदे छुप के खड़े हुए थे, मेरे हिसाब से ना ये हमारे आने का यहाँ पे वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तो इनकी वार्ड लगाते हैं। ओके अब फ्रैंकलिन लगता है अंदर की साइड में आ चुका है, तो जल्दी से ना फ्रैंकलिन बंदों को छलटा दे, एक भी बंदों को हम लोग को छोड़ना नहीं है। मैं तो गाइस फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है अब यहाँ वाले बंदे तो हो चुके हैं फिनिश, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ और बंदों के फुटस्टेप की आवाज़ें आ रही, और वो भी ये जो आपको हाउस दिखाई दे रहा है जो भी है ये इसके ऊपर से,
एक बार हम लोग चल के देखते हैं। पहले तो यहाँ पे ये दो तीन बंदे खड़े हुए थे, इन बंदों को सटा देते हैं। अभी भी बच्चों हैं, तेरी बेटा निकल निकल बेटा। वो देखो गाइस, जो आवाज़ें आ रही थी ना, यहाँ से ही आ रही थी, ऊपर ऊपर कोई नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा था ऊपर से आवाज़ आ रही है। ये यहाँ पे इन सीढ़ियों पे खड़े हुए थे, स्टेयर्स पे, इनको भी मैंने फिनिश कर दिया फटाफट से। अब हम लोग नीचे की साइड में चलते हैं और जल्दी से ये जो ट्रक सामने की साइड में खड़ा हुआ है, इसका ट्रंक ओपन करके हम लोग को देखना है आखिर जो हम चीज़ ढूंढने के लिए आए हैं वो यहाँ पे हमको मिलने वाली नहीं है। वैसे गोल्ड के सिर्फ दो ट्रे, ये हमारे लिए एनएफ नहीं है, हमें फुल बहुत सारा पैसा चाहिए। वैसे यार इस पैसे को मैं डगन बोस को देना तो नहीं चाहता, और अपना फ्रैंकलिन भी लैम्बोर्गिनी लेकर के अंदर की साइड में आ चुका है। वैसे यार इसने लैम्बोर्गिनी को डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से भाई अपना जो बैनी है वो थोड़ा नाराज़ होने वाला है। इसके पार्ट्स है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। फिलहाल मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया है, और यहाँ पे फ्रैंकलिन है ना इस गोल्ड की चेकिंग कर रहा है, कहीं यार ऐसा नहीं हो हम लोग को डुप्लीकेट माल मिल जाए और ओरिजिनल माल है ना कहीं और पे छुपा के रखा हुआ हो। तो फिलहाल यहाँ पे फ्रैंकलिन चेक करने में लगा हुआ है, तब तक एक बार हम ना गाड़ी के अंदर जाके इस ट्रक का पीछे का ट्रंक ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये ऑटोमेटिक सिस्टम लग रहा था जो अंदर जाके ही ओपन होता है। फिलहाल यहाँ पे अपना ट्रंक ओपन हो चुका है, और भाई साहब देख रहे हो यार इतना सारा पैसा। तभी तो सोचूं यार ये डगन बोस आखिर हमसे ऐसा क्या काम निकलवाना चाह रहा है भाई। ये अगर पैसा हमारे पास आ गया ना तो हम अपनी डीलरशिप के लिए भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी हम लोग मंगवा सकते हैं। फिलहाल अब तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन जिमी को बचाने का कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हमने जिमी को बचा दिया ना तो इस पैसे को डगन बोस को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे जो अपना लेस्टर था ना, उसने जो प्लानिंग की थी, 4 से 5 हम लोग अपने इन्फॉर्मर उसके घर के बाहर लगा देंगे, उनमें से भी लगता है कोई ना कोई ज़रूर डगन बोस से जिमी का पता लगा ही लेगा। तो फिलहाल हम लोग है ना एक दिन तक वेट करने वाले हैं, एक दिन तक इसको कहीं नहीं देंगे, हम अपने सीक्रेट बेस में जाके वहाँ पे इसको छुपा देंगे। उसके बाद में अगर जिमी का पता वो नहीं लगा पाए ना तो फिर हम लोग सोचेंगे इसको डगन बोस को देने का। फिलहाल फल फटाफट हम लोग लॉस सैंटोस से यहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी से जल्दी पहुँच जाते हैं अपने सीक्रेट बेस में। वहाँ पर जाने के बाद हम इस ट्रक को वहाँ पे हाइड कर देंगे, जिससे कि यार ये किसी की नज़र में नहीं आए। वैसे यार यहाँ से निकालना थोड़ा प्रॉब्लम वाला हो सकता है, अगर रास्ते के अंदर कहीं पुलिस वाले बंदे मिल गए ना, और मैं सोच रहा था पुलिस वाले बंदे का, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है मेरे पीछे ना पुलिस लग चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो फायरिंग हुई थी ना उसकी वजह से उनको किसी ना किसी ने ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, और हमारे ट्रक का नंबर भी वो दे दिया होगा। इस नंबर को शायद से ट्रेस करके हम लोग, हमारे पीछे वो पड़े हुए हैं, हम लोग को जैसे तैसे करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लॉस सैंटोस से बाहर हम अपने जैसे ही सीक्रेट बंकर के पास में पहुंच जाएंगे ना, तो आई होप यार ये पुलिस वाले बंदे हमको फॉलो नहीं करेंगे। वैसे शहर की पूरी पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़ी, कुछ ही बंदे पड़े हुए हैं, तो हमारे डरने की ज़्यादा बात नहीं है। हमको बस इनसे अलग अलग रहना है, हमने इनकी गाड़ियों को ठोका या फिर किसी बंदे को उड़ा दिया इनके सामने तो हो सकता है पुलिस वाले बंदों की संख्या हमारी बढ़ जाए। अभी हमें इनका पंगा नहीं चाहिए, हमें बस इनसे बचते बचाते निकलना है। तो फिलहाल मैं इधर ले लेता हूँ, आई होप यार इस टर्मिनल से हम गायब हो जाएंगे, इन बंदों के पकड़ में नहीं आएंगे। फिलहाल फटाफट जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और अपने बंकर पे पहुँचने का ट्राई करता हूँ। हम लोग यहाँ से तो निकल गए, लेकिन पुलिस की 2 गाड़ी हमारे पीछे लगी हुई है। ओके गाइस, जो पुलिस वाले बंदे हमारे पीछे लगे हुए थे, उन्होंने यार बहुत मुश्किल से हमारा पीछा छोड़ा, लेकिन हम लोग ने जैसे तैसे करके उनसे हमारा पीछा छुड़ा लिया, और हम पहुंच चुके हैं कंस्ट्रक्शन साइड वाले सीक्रेट बंकर पे। वैसे अंदर की साइड में कोई भी नहीं है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे लेस्टर या फिर फ्रैंकलिन हमारा वेट कर रहे होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, किसी को यहाँ का आइडिया नहीं है। मैं फ्रैंकलिन को कॉल लगा के यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, वो यहाँ पे जैसे तैसे करके अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर के आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको प्लान के अंदर बताया नहीं था कि मुझे तुम सीक्रेट बंकर पे मिलना। मैंने बाद में जब पुलिस पीछे पड़ी ना तो यहाँ पे आने का डिसाइड किया, उसके बाद में हमने प्लान चेंज कर लिया। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और जल्दी से मैं फ्रैंकलिन को कॉल कर लेता हूँ। एक मिनट यार, मैं उसको कॉल करने का सोच ही रहा था, लेकिन अचानक से मेरे पास में उसी का ही कॉल आने लग गया, फ्रैंकलिन का। एक काम करते हैं, फटाफट से है ना इससे बात कर लेते हैं, आखिर देखते हैं ये हमसे क्या कहना चाहता है। मैं इसका कॉल रिसीव कर लेता हूँ, देखते हैं यार आखिर हमसे क्या बोलना चाह रहा है। फिलहाल हम फ्रैंकलिन के साथ में बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं। ओके गाइस, फिलहाल मेरी फ्रैंकलिन के साथ बात हो चुकी है। फ्रैंकलिन बोल रहा है मेरे पीछे भी पुलिस के बंदे पड़ गए थे, लेकिन मैं भी वहाँ से निकल आया, और जल्दी से जल्दी वो कुछ देर के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट के एरिया में पहुँच जाएगा, क्योंकि वो भी लॉस सैंटोस सिटी से बाहर है, देखते हैं कितनी देर में आता है। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, फ्रैंकलिन अपनी गाड़ी लेकर के आ चुका है, और उस गाड़ी के अंदर यहाँ पे मैं भी बैठ चुका हूँ। अब हम लोग फटाफट यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो एक
इन्फॉर्मर है उसको अपने जिमी का पता चल चुका है। हम लोगों को फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को फेड करते करते नाइट हो चुकी है। नाइट का फ़ायदा उठा करके हम वहाँ से आसानी से जिमी को बचा करके ला सकते हैं और वो पक्का डगन बोस का ही हाइड आउट है जिसके बारे में हमको अभी तक पता नहीं था। वहाँ पे जिमी को उसने किडनैप करके बांध के या फिर जैसे तैसे करके भी है ना, मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई सीक्रेट रूम होगा जहाँ पे जिमी को रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमको पता चलेगा क्योंकि जो हमारे इन्फॉर्मर है जो वो सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके अलावा वो कुछ काम नहीं करते। हम लोग फटाफट यहाँ से निकल चुके हैं और जल्दी से पहुँच जाते हैं। वैसे यार वो जो हाइड आउट है ना वो इस कंस्ट्रक्शन एरिया से ज़्यादा दूर नहीं है यार। उसने कैसे कब और कहां से हाइड आउट बना लिया हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। तो ठीक है, फिलहाल हम फटाफट यहां से निकल जाते हैं और जल्दी से जल्दी उस हाइड आउट पर पहुंचते हैं जहां पे जिमी को किडनैप करके रखा हुआ। ओके, तो यार हम लोग इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। सामने की साइड में यहाँ पे कुछ 3 से 4 बंदे खड़े हुए हैं। हम लोग को फटाफट से चलना चाहिए। यहाँ पे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है जिसका मेरे ऊपर पक्का एम है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपनी पिस्टल से उसको मार दूंगा, किसी और बंदे को गोली बुलेट चलने की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि हमारी बुलेट के अंदर पिस्टल के अंदर सप्रेसर लगाया हुआ है जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। और मैंने इस बंदे के मत्थे पर तो एक दे ही दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे वैसे मैंने फिलहाल अभी यहाँ पे 3 से 4 बंदों को देखा था अपने बायनोकुलर से, जो कि यार वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अब मैं फिलहाल धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ने का ट्राई करता हूँ और यहाँ पीछे की साइड में जो बंदे हैं ना उनको मैं देख नहीं पाया था। एक काम करता हूँ, सबसे पहले पीछे जाने का ट्राई करता हूँ। हो सकता है मैंने इस बंदे को बुलेट मारी तो उन बंदे अलर्ट भी हो गए होंगे, क्या पता यार इसको मरते हुए उन्होंने देख लिया था। एक मिनट, यहाँ पे ये बंदा मरा हुआ है और गेट के पास में 2 बंदे खड़े हुए हैं लेकिन उनको अभी तक आइडिया नहीं है कि उनमें से एक साथी मारा जा चुका है। पीछे चलता हूँ। यहाँ पे ये जो हाउस बना हुआ है ना इसके अंदर 3 से 4 बंदे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये हमारे पीछे नहीं पड़े हुए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना इन्होंने शायद से है ना मेरे ऊपर नोटिस कर लिया, मतलब मुझे देख लिया है। लेकिन कोई नहीं, अभी हम लोग उनको नहीं छेड़ते। हम सब मैं सोच रहा था सबसे पहले तो आगे वाले बंदों को सलटाते हैं, लेकिन यहाँ पे छुप के देख लेते हैं यहाँ पे क्या मंजर है, कौन बंदा किस लोकेशन पे खड़ा हुआ है, किसकी क्या पोजीशन है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे अटैक करेंगे। फिलहाल मैंने आगे की साइड में देख लिया है और इन दोनों बंदों के मत्थे पे बजाने वाला हूँ। पहले तो आराम आराम से, ये जाली बीच के अंदर आ रही है। ए भाई साहब गया इसके जैसे ही मैंने ठोकाना और भाई ये बंदा हमारे पीछे पड़ गया। चल बेटा निकल। अब मुझे लग रहा है इन दोनों बंदों को मैंने पिस्टल से बजाया तो किसी को अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अब मैं ओपन एरिया के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस, फिलहाल मुझे यहाँ पे बुलेट पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। अब जल्दी से जल्दी मैं पीछे वाले एरिया में जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो मेरे ऊपर अटैक कर रहे होंगे। इस बंदे के मैंने मत्थे पे दे दी और गाइस यहाँ पे जो अंदर 2-3 बंदे खड़े हुए थे वो मेरे पे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। चल बेटा निकल। इन दोनों को मैंने यहाँ पे सलटा दिया। अब ये जो पीछे हाउस जो बना हुआ था ना वहाँ पे जो बंदे हैं ना उनकी बारी है। वहाँ से भी बंदे निकल निकल करके गेट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से ना ये गेट जो है ना वो लॉक है। वैसे मैं सोच रहा था अगर ये गेट लॉक है तो हम लोग अंदर की साइड में कैसे जाएंगे, मेरे को आइडिया नहीं है। कुछ तो रास्ता होगा अंदर जाने का क्योंकि गेट तो मुझे चारों तरफ से लॉक लग रहे हैं। इनके अंदर मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई रहेगी जिसकी वजह से कोई भी अगर अंदर यहाँ पे टाप के जाने का ट्राई करें यहाँ से। ओके, यहाँ से हम लोग टाप के जा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। फिलहाल मैं आसानी से अंदर तो पहुँच चुका हूँ लेकिन यहाँ पे अंदर भी बहुत सारे बंदे। चल बेटा निकल। इन दोनों को मैंने सलटा दिया। अब जल्दी से जल्दी इस हाउस के अंदर चलते हैं क्योंकि जो अपना जिमी है, वैसे पीछे की साइड के अंदर कोई भी नहीं है, और जो अपना जिमी है वो मुझे इस हाउस के अंदर मिल सकता है। फिलहाल यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था इसके मैंने मत्थे पे बजा दी और यहाँ पे मुझे बुलेट्स पड़ रही है। कहाँ से पड़ रही है? पीछे की साइड में मेरे खड़ा हुआ था। आखिर ये पीछे कैसे पहुँच गया यार, पता नहीं, लेकिन कोई ना। फिलहाल मैंने इसके मत्थे पे दी, ये भी गया। अगर अंदर और बंदे तो नहीं, ये एक बंदा ये छुपा हुआ यहाँ से। चल बेटा निकल। यार ये जगह तो इतनी सी है, यहाँ पे मेरे को कहीं पे जिमी नहीं दिखा। यहाँ पे हम लोग एंटर करें अंदर, कोई जिमी को लेके भाग गया क्या? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा यहाँ पे है ना कोई बंदा है ना भाग रहा है, लेकिन कोई नहीं। एक बार आराम आराम से हम चारों तरफ देख लेते हैं, क्या पता है ना हमको जिमी यहीं पे मिल जाए। पहले तो यार इन बंदों को सलटाता हूँ, ये है ना मेरे बार बार दिक्कत कर रहे हैं। अब मैं एक बार पीछे की साइड में जाता हूँ धीरे धीरे आराम से, बिल्कुल मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी बंदा अचानक से आ सकता है क्योंकि यार हम लोग है ना आज बुलेट प्रूफ सूट पहन के नहीं आए। मेरे को यार सूट है ना एनी टाइम पहन के रखना चाहिए, बिल्कुल कहीं पे फाइट कर लेने के लिए जाए ना तब। ऐसे अगर नॉर्मली ये फॉर्मल कपड़े पहन के रहो तो ठीक है यार, लेकिन उस टाइम पे मेरे को सूट पहन के जाना चाहिए। अब हम ओके,
ये देखो एक सीक्रेट बेस, फटाफट अंदर चलता हूँ मैं। वैसे मेरे को यहाँ पे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, जिमी शायद से यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ये ड्रग्स बना रहे हैं। चलो कोई ना, फिलहाल हम लोग फटाफट बाहर चलते हैं। वैसे अब मुझे है ना बाहर की साइड में जा करके एक बार चेक कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगा तो था कि कोई जिमी को लेकर भागो, एक मिनट यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे जब चेक करने के लिए आए थे तब यहाँ पे ये तो नहीं था। ये मुझे लग रहा है अभी किसी बंदे ने इसको यहाँ पे लाके पटका है और ये पूरा अनकॉन्शियस होया हुआ है, तो मुझे इसको अपने कंधे पे लाद के लेके जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको पहले होश में लाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्या यार ये होश के अंदर क्यों नहीं आ रहा। चलो कोई ना, मैंने फ़िलहाल इसको अपने कंधे पे नाक लिया है। अब जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से लेके चलते हैं। और हमारे पास में वैसे टू सीटर है, दो ही बंदे उस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, तो मैं फ्रैंकलिन को बोल दूंगा तू यहाँ से कोई टैक्सी पकड़ ले या फिर इनमें से किसी बंदे की यहाँ पे गाड़ी पड़ी होगी, ढूंढ ढांड के आ जाए। फ्रैंकलिन तो अपना जुगाड़ लगा ही लेगा। फिलहाल मुझे जिमी को जल्दी से जल्दी एक सेफ लोकेशन पर लेके जाना है। मैंने अपनी बाकी फैमिली को तो लॉस एंजेलोस से बाहर भेज ही दिया है, जैसे जिमी भी थोड़ा ठीक हो जाएगा हम इसको भी बाहर भेज देंगे, लेकिन हमें इसको अपने घर पर लेके नहीं जा सकते, हमें इसको अपने कोई सीक्रेट बेस पर लेकर के जाना पड़ेगा। फिलहाल जल्दी से जल्दी मैं इसको अपनी गाड़ी के अंदर ले, और इस फ्रैंकलिन को देखो भाई जैसे ही फ्री हुआ ना मस्त एकदम गाड़ी के साथ लीन होकर के एकदम मज़ा करने लग गया। चलो भाई फिलहाल मैंने इसको नीचे पटक दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है ना जो अपना जिमी है वो होश के अंदर आ रहा है, और भाई ये उठ के खड़ा हो गया। और भाई उठते ही मैंने इसको बोला गाड़ी के अंदर जाके बैठ जा। फिलहाल ये गाड़ी के अंदर बैठ चुका है और हम भी बैठ चुके हैं। मैंने फ्रैंकलिन को सब कुछ बता दिया उसको क्या करना है। फ्रैंकलिन बोल रहा है ठीक है तुम निकल जाओ, मैं जैसे तैसे करके अपना जुगाड़ कर ही लूँगा। इस गेट को ये खुलेगा तो नहीं, इसको तोड़ के ओके इसको हम लोग तोड़ के निकल जाते हैं। अब हमारे पास सब कुछ है, बिल्कुल फ्री है। अब यार मैं सोच रहा था वो जो इतना सारा हम लोग ने केस चुराया उसका क्या करें, डगन बोस को नहीं देंगे तो वो हमारा दुश्मन हो जाएगा। उसको अगर हम ऐसा बोलेंगे कि हमने कोई चोरी नहीं की तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि उसको अभी तक पता चल ही चुकी होगी कि माइकल ने अटैक करके अपने बेटे जिमी को वहाँ से छुड़ा लिया है। तो फिलहाल मेरे पास में कोई आइडिया नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले अपने घर पर चले गए, और अपनी गाड़ी जो है ना थोड़ी बहुत वाट भी लग चुकी है। अब यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और उसके बाद में हम जिमी को कोई सीक्रेट लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर हम उसको यहाँ पे घर पे नहीं रख सकते। थोड़ा अभी भी इस घर में जिमी को रखने के लिए ख़तरा है, तो देखते हैं अब आगे वाले वीडियोस में क्या होता है, हम लोग कैसे डगन बोस से फाइट करते हैं, जिमी को बचा पाते हैं। अगले वाले जो वीडियोस है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक करो। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।